केंद्र सरकार ने किसानों के सामने रखी बातचीत की पेशकश, किसान नेताओं को पत्र लिखकर मांगी बातचीत की तारीख। अमित शाह ने कहा, हाँ या ना में नहीं है किसी समस्या का समाधान, संवाद से ही निकलेगा मार्ग। किसानों की एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल जारी, कृषि कानून वापस लेने की मांग। अलग अलग समूहों में भूख हड़ताल करेंगे किसान नेता, प्रत्येक समूह में होंगे 11 लोग। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार गिरा देंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, सचिन पर कांग्रेस में हो रहा है अन्याय। बंगाल में टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ऐलान, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10 सीटें मिलने पर छोड़ दूंगा ट्विटर। जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, चुनाव के बाद देश खो देगा एक रणनीतिकार। भारत जापान संवाद सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, बोले भारत और जापान के रिश्ते एशिया में अहिंसा और लोकतंत्र की परंपराओं के सकारात्मक भविष्य के निर्माण की आवश्यकता पर आधारित। गृह मंत्री अमित शाह का नागरिकता संशोधन कानून पर बड़ा बयान, बोले कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कानून लागू करने पर विचार करेगी केंद्र सरकार। बंगाल चुनाव में बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी नागरिकता संशोधन कानून। पीएम मोदी के कार्यालय को बेचने जा रहे 4 युवक गिरफ्तार, ओएलएक्स पर डाली थी पीएम के कार्यालय की तस्वीर, पता लगते ही पुलिस ने आनंद फानंद में की कार्रवाई। गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी बनारस पुलिस। शिवसेना नेता संजय राउत का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए शीतकालीन सत्र नहीं बुला रही मोदी सरकार। क्या रैलियों से नहीं फैलेगा कोरोना और संसद सत्र बुलाने से फैलेगा कोरोना? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, राज्य में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित अंतर रखने की अपील, कोरोना से बचाव के लिए सावधानी जरूरी। शिवसेना नेता बालासाहेब सरनाईक ने थामा बीजेपी का दामन, उत्तर महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से को जवाब देने के लिए बीजेपी ने बालासाहेब सरनाईक को किया पार्टी में शामिल। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए